अस्सलाम वालेकुम जी, उस्मान रियाज एक दफा फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ RBS के प्लेटफॉर्म से। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कि लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर फर्दर जो बाकी स्मार्ट सिटीज़ आने वाले हैं नेक्स्ट कुछ टाइम में, कुछ मंथ्स कह लें या आप 2024 के अंदर कह लें, उनमें जो न्यू स्मार्ट सिटीज़ आने वाले हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बेसिकली दो से तीन रूल हैं, वो चाहे कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो, जितने भी स्मार्ट सिटीज़ हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी या फर्दर जो भी स्मार्ट सिटी है उसको ऑन, तो हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड ही कर रहे हैं और हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड ही उसकी डिवेलपमेंट भी करेगा। और हमेशा की तरह RBS रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन सेल्स पार्टनर ही होगा आने वाले 20 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी स्मार्ट सिटी नेक्स्ट टाइम पे आएंगे इंशाल्लाह। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट है जिसको 3 to 4 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और इस प्रोजेक्ट की अगर हम पोजीशन की एक्चुअल बात करें, इसमें आपको बेल्टेड प्लॉट्स मिलेंगे और दी सेकंड थिंग के इसमें अब आपको पोजेशन वाले प्लॉट्स मिलेंगे। मीन के इसमें वही बंदा इन्वेस्टमेंट करे कि जिस बंदे ने अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है रियल टाइम में, मीन 3 to 6 मंथ में नेक्स्ट आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, या कुछ सेक्टर्स कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं आपके, जैसे आपका ओवरसीज ईस्ट एम ब्लॉक की अगर हम बात करें उसके अंदर आपका 3.5 मरला हो गया, या फिर आपका 2.66 मरला का कमर्शियल हो गया, या फिर आपके रेजिडेंशियल कुछ और प्लाट्स हो गए 5 मरला के 10 मरला के 1 कनाल के। क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ऑलरेडी डेवलप प्रोजेक्ट है और बहुत सारी यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटीज़, और दी लेटेस्ट अपडेट आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेडियम का भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो मीन के जिस बंदे ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या मतलब फ़ौरन जिस बंदे ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए रेकमेंडेड कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद है। लाहौर स्मार्ट सिटी वो प्रोजेक्ट है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद से तकरीबन अप्रोक्स आपका 3 ईयर लेटर स्टार्ट हुआ था और इसमें जो बुकिंग स्टार्ट हुई थी 2020 के एंड से आपकी स्टार्ट हुई थी, 3 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान था। इसमें भी इस टाइम पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि जो अभी भी आपको इंस्टॉलमेंट्स पे मिलती हैं या फिर बेल्टेड प्लॉट्स मिलते हैं। अगर हम पोजेशनेबल प्लॉट्स की बात करें तो सिर्फ ओवरसीज़ प्राइम के अंदर कुछ जगहों का पोजेशन अनाउंस किया हुआ है एज़ पर कंपनी के, जहाँ पर आप अभी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है, कैपिटल स्मार्ट सिटी में हाईली रिकमेंड इन्वेस्टमेंट के लिए कि जो बंदा कंस्ट्रक्शन फ़ौरन करना चाहता है या जो बना बनाया विलाज लेना चाहता है या बने बने अपार्टमेंट लेना चाहता है उसके लिए जो हाईली रिकमेंडेड है वो हमारा कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद है। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर भी कुछ ब्लॉक्स की पोजेशन अनाउंस्ड हो चुकी है और फर्दर की भी विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी भी पोजेशन अनाउंस्ड हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट पोजेशनल प्लॉट्स में करना चाहते हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ वो वाले आपके ब्लॉक्स के जिनको ऑलरेडी पोजेशन जिनका अनाउंस्ड हो चुका है, फर्दर किसी भी अथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए या आने वाले किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, RBS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वेबसाइट विजिट करें www.rbslend.com। थैंक यू।